ये है नवाब मोहम्मद खान बंगश का मकबरा। 27 दिसंबर 1714 के दिन नवाब मोहम्मद खान बंगश ने इस शहर की नींव रखी थी। इस मौके पर शहरवासी इसे जश्न फर्रुखाबाद के रूप में मनाते हैं। हमने उनके वंशज काजिम हुसैन खान साहब से बात की तो उन्होंने बताया, दिन में त्योहार सब मनाते हैं और हम लोग सब मिलके हिंदू मुस्लिम भाई मिलके एक जश्न फर्रुखाबाद नाम के प्रोग्राम को मनाते हैं और इस दिन को याद करते हैं, उनकी कुर्बानियों को याद करते हैं, उनकी बीवियों की कुर्बानियों को याद करते हैं और साल भर में हम लोग कुछ ना कुछ तो प्रोग्राम करते ही रहते हैं इसके साथ। मोहम्मद खान बंगश एक बहादुर सेनापति, कूटनीतिज्ञ और महान नेगोशिएटर था। दिल्ली के बादशाह फर्रुखसिया के आमंत्रण पर मोहम्मद खान ने जहांदार शाह को हराने में मुख्य भूमिका अदा की थी। इस सहायता के बदले दिल्ली के बादशाह फर्रुखसिया ने इनाम स्वरूप स्वतंत्र राज्य बसाने हेतु नवाब की पदवी, सुनहरी पगड़ी व 52 बमटेला गांव प्रदान किए थे। मऊ से 23 किलोमीटर दूर कालका खेड़ा के टीले पर एक फोर्ट का निर्माण कराया और यहीं आकर बस गए। इस स्थान का नाम अपने नामानुसार मोहम्मदाबाद रखा। मऊ रशीदाबाद से कुछ दूर मोहम्मद खान ने अपने पहले पुत्र कायम खान के नाम कस्बा कायमगंज बसाया, लेकिन दुश्मनों को ये नाकवार गुजरा। दिल्ली दरबार में मोहम्मद खान के खिलाफ कान भरे गए। बाद में फर्रुखसिया से समझौता हुआ। समझौते के अनुसार फर्रुखसिया के नाम फर्रुखाबाद शहर बसाया गया। 27 दिसंबर 1714 को शहर की नींव रखी गई, लेकिन अभी हाल ही में इस शहर के निर्माण दिन पर कुछ गलत फहमी उत्पन्न हो गई। इस विषय पर हमने जाने माने इतिहासकार डॉक्टर रामकृष्ण राजपूत जी से बात की तो उन्होंने बस सबूत देकर स्पष्ट किया। 1714 को नवाब मोहम्मद खान बंगश ने औरंगजेब के पुत्र फर्रुखसिया के नाम पर इसका नामकरण किया था। फर्रुखाबाद के इतिहास की पुस्तकें फतेहगढ़ एंड दी म्यूटनी, द हिस्ट्री ऑफ नवाबा ने बंगश, फतेहगढ़ नामा जो डिप्टी कलर काले राय का लिखा हुआ, यहाँ के डीएम सीएल बैलेस रहे और मिलिट्री के अधिकारी रहे, तमाम अधिकारीगण रहे और फर्रुखाबाद के आर्य समाज का इतिहास पंडित गणेश प्रसाद शर्मा, कन्नौज के इतिहास के एम पणिक्कर, के एम मुंशी सहित तमाम जो फर्रुखाबाद के इतिहास की पुस्तकें हैं, यहाँ तक कि विदेशी अलबरूनी और इब्न बतूता की यात्राएँ हैं, उन तक में सब इतिहास मिलता है। उसमें सब लोगों ने उसे फर्रुखाबाद की स्थापना की तिथि 27 दिसंबर 1714 ही मानी है, उस हिसाब से हम लोग इसे मना रहे हैं। मोहम्मद खान बंगश ने शहर बसाने के पहले ईरान व तुर्की से एक्सपर्ट बुलवा कर सर्वे कराया था। आज का फर्रुखाबाद उसी नक्शे के तहत बसा हुआ है। यहाँ तक कि नवाब ने जो मोहल्ले बसाए वो कर्मानुसार थे। शहर को चारों ओर से 12 दरवाजों से किलेबंद किया गया था। मोहम्मद खान बंगश ने अपने जीवन काल में ही मऊ दरवाजे से आधा मील दूर एक गांव निकपुर खुर्द परगना पहाड़ा में एक ऊंचे चबूतरे पर गोल गुंबद खड़े कर टाम बनवा दी थी। टाम के चारों ओर आम व अमरूद के बाग लगवाए, जिसे हम हयात बाग नाम से जानते हैं। मोहम्मद खान बंगश ने अपने जीवन काल में कुल 18 लड़ाइयां जीती, जिसमें से एक छत्रसाल के विरुद्ध समय पर सेना न पहुंच पाने के कारण हार का सामना करना पड़ा था। नादिर शाह ने दिल्ली फतह के बाद मोहम्मद खान को दिल्ली दरबार में तलब किया, लेकिन वे हाजिर नहीं हुए। नवाब को दरबार में हाजिर होने का फरमान जारी किया गया। हाजिर होने पर नादिर शाह ने पूछा कि मैंने सुना था मोहम्मद खान एक बहादुर सेनानी है, तुम मैदान क्यों छोड़ गए? इस पर मोहम्मद खान ने बिना परिणाम की चिंता किए जवाब दिया, हुजूर अगर मैं वहां होता तो आप यहां नहीं होते। इस पर नादिर शाह गुस्सा नहीं हुआ, बल्कि कहा, मैं तुम्हारी हिम्मत व बहादुरी का कायल हूं, मेरे मुल्क चलो, मैं तुम्हें वहां अपना सेनापति बनाऊंगा। इस पर मोहम्मद बंगश ने तुरंत जवाब दिया, मुझे मेरे मुल्क ने इतना कुछ दिया है कि मैं मर सकता हूँ, लेकिन उससे गद्दारी नहीं कर सकता। 80 वर्ष के नवाब की गर्दन में फोड़ा होने पर दिल्ली के बादशाह मोहम्मद शाह ने अपने निजी हकीम को इलाज के लिए फर्रुखाबाद भेजा, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। अंततः 16 दिसंबर सन 1748 को मोहम्मद खान का देहांत हो गया, उन्हें यहीं दफनाया गया। ये क्या, मेरा शहर घरों में सो रहा है और मैं हूँ कि मुद्दतों से टूटे फूटे खंडहरों में सर्द हवाओं से घिरा।
ठिठुर रहा हूँ।